तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 150 MB के अंदर एकदम बढ़िया बढ़िया गेम्स बताने वाला हूँ खेलने के लिए। सो मेक श्योर वीडियो का एंड तक जरूर देखना। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का गेम स्टॉक इंडिया चैनल की एक नई वीडियो में, जो आज की वीडियो में आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट गेम्स बताने वाला हूँ अंडर 150 MB। देखो यार, इसमें सारे के सारे गेम्स ऑफलाइन ही होने वाले, लेकिन मैंने लिस्ट में ज्यादातर गेम्स ऑफलाइन ही ऐड करें, तो अगर आपके पास नेट भी नहीं है तो भी टेंशन मत लो। और ऐसे जो सभी गेम के ग्राफिक्स आपको एक नंबर देखने को मिलेंगे, और सभी गेम्स की डाउनलोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यार, वीडियो को लाइक को फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, तो बिना किसी तरीके वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 5 पे जो गेम आता है, उस गेम का नाम है पंपिंग सिमुलेटर 24। देखो यार, ये गेम आपको बिल्कुल गैस स्टेशन सिमुलेटर जैसा देखने को मिलता है। मतलब क्योंकि अगर आपके पास एक पेट्रोल पंप होता है, जिससे आपको लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल भरना पड़ता है, और इतना नहीं, क्योंकि आपको एक स्टोर भी देखने को मिल जाता है जिसको आपको मैनेज करना होता है। मतलब क्योंकि आपको जितने भी कस्टमर्स आएंगे उन्हें सामान बेचना होगा, जैसे बिस्किट, ट्रॉफी, ये सब आप गेम के अंदर रख सकते हो, और उन्हें आपको कस्टमर्स को बेचना होगा, जैसे आप गेम के अंदर प्रॉफिट कमा पाओगे और अपने स्टोर को बहुत ज्यादा एक्सपांड भी कर पाओगे, और इतने नहीं, अपने पूरे पेट्रोल पंप को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे इस गेम के अंदर। बहुत ही मजेदार गेम है, और ऊपर से गेम का साइज होने वाला है सिर्फ 140 MB, और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है, तो नेट की टेंशन भी मत लो। अगर गेम को सिंपल डिस्क्राइब करो तो एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया गैस स्टेशन सिमुलेटर जैसा गेम ढूंढ रहे हो खेलने के लिए, वो भी अच्छे ग्राफिक्स के साथ, तो इसे चेकआउट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं नंबर 4 गेम की ओर, और इसी के साथ नंबर 4 पे जो गेम आता है वो एक कार ड्राइविंग गेम होने वाला है। गेम का नाम है हॉरिजन ड्राइविंग सिमुलेटर। देखो इस गेम के आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब एकदम हाई क्वालिटी ग्राफिक्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, वो भी सिर्फ 140 MB के अंदर, और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। और इतने नहीं, गेम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ओपन मैप देखने को मिल जाता है, और इतने नहीं, गेम के अंदर आपको बहुत सारे डिफरेंट रेसिंग मोड्स भी आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे फ्री रोम हो गया, फ्री राइड हो गया, और भी बहुत सारे मोड्स आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और गेम के अंदर आपको बहुत सारी सुपर कार्स देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप फुली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे। देखिए यार, अगर मेरी मानो तो एक अच्छा कार रेसिंग गेम ढूंढ रहे हो खेलने के लिए, वो भी सिर्फ 150 MB के अंदर, वो भी जिसके ग्राफिक्स एक नंबर होते हैं, जब आप कर सकते हो, ये गेम आपको जरूर पसंद आएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। देखते देखते आ चुके हैं इसके तीसरे गेम की तरफ, जिस गेम का नाम है पुलिस सिमुलेटर। देखो यार, जैसे गेम के नाम से पता चल गया होगा कि इस गेम के अंदर तुम एक पुलिस का रोल प्ले करते हो, मतलब गेम के अंदर तुम एक पुलिस वाला बन के खेलते हो, तो तुम्हें गेम के अंदर वो सारी चीजें करनी होगी जो एक पुलिस वाला करता है। मतलब गेम के अंदर कोई क्रिमिनल भाग रहा है तो उसे जाके पकड़ना होगा, और यहाँ तक कि गेम के अंदर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो आप उसका चलान भी कर सकते हो गेम के अंदर। ये गेम के साइज के, तो इस गेम का साइज होना है 100 MB, और ये गेम पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। और ये गेम की ग्राफिक्स की बात है, तो इस गेम की ग्राफिक्स मुझे पता है इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन गेम बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप खुद ही देख रहे हो कितना बढ़िया गेम है। और गेम के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा ओपन मैप भी देखने को मिल जाता है, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, इस गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की ओर, और इसी के साथ वीडियो में नंबर 2 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है ट्रक्स एंड ब्राजील। जैसे गेम के नाम से पता चल गया होगा कि ये गेम ब्राजील में बेस्ड होने वाला है, जो गेम का साइज 130 MB के आसपास देखने को मिलेगा, और ये गेम भी पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है। जो गेम के अंदर आपको सिंपली एक जगह से दूसरे का सामान डिलीवर करना होगा, जिससे आप मनी अर्न करते हो, मनी अर्न करने के बाद आप गेम में नए नए ट्रक्स अनलॉक कर पाओगे, फुली अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे गेम के अंदर। ये गेम की ग्राफिक्स की बात करें, तो गेम की ग्राफिक्स देखो यार 130 MB के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और इसी सर वीडियो का आखिरी गेम, यानी नंबर 1 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है पब्लिक बस सिमुलेटर 2। देखो यार, ये बहुत ही बढ़िया बस गेम है, जो गेम के आपको एक बहुत बड़ा ओपन एरिया मिल जाएगा बस ड्राइव करने के लिए, बहुत सारे मिशन मिल जाते हैं खेलने के लिए, और गेम के अंदर जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो आपको सिटी और जो एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक, बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है। डिफरेंट कैमरा एंगल्स भी आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जब गेम के आपको सिंपली पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर एक अच्छा बस गेम ढूंढ रहे हो खेलने के लिए, तो इसे चेकआउट कर सकते हो। वही अगर गेम के साइज के होते हैं, तो इस गेम का साइज 160 MB के आसपास देखने को मिलेगा, और ये गेम भी पूरी तरह से ऑफलाइन है। ये टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स, और अगर अच्छे GTA से गेम्स ढूंढ रहे हो खेलने के लिए, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। Bye.